सो गाइस, आज हम बात करेंगे सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट एक सरफेस एक्टिंग मटेरियल है या एजेंट कह सकते हैं, जिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअरिंग द सरफेस टेंशन ऑफ अ फ्लूइड। अब सर्फेक्टेंट जो है वो एक एपिथेलियल होती है, एपिथेलियल ऑफ द एल्वियोलाई इन लंग्स, वो उसको हम सर्फेक्टेंट कहेंगे और उसको हम कहेंगे पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। और इसका मेजर फंक्शन है डिक्रीज द सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सो बात करते हैं आगे, तो कौन से सेल्स है जो सर्फेक्टेंट को सिक्रेट करते हैं। तो पहला सेल का नाम है टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स इन द लंग्स, विच आर कॉल्ड सर्फेक्टेंट सिक्रेटिंग एल्वियोलर सेल्स और न्यूमेटोसाइट्स भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि दिस सेल्स आर प्रेजेंस ऑफ अ माइक्रोविलाई ऑन देयर एल्वियोलर सरफेस। दूसरे नंबर के सेल्स की बात करें तो स्क्लेरा सेल्स जो सिचुएटेड इन द ब्रोंकियोल्स, एंड दिस आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंकियोल एक्सोक्राइन सेल्स। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है सर्फेक्टेंट की। तो सर्फेक्टेंट एक लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है फॉर्म्ड बाय लिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं मेजरली 75% कवर करता है जो सर्फेक्टेंट को। खासकर नाम है DPPC डाइपेल्मिटोइल फॉस्फोफेटिडाइल कोलिन, और दूसरे अदर्स लिपिड्स भी है, जैसे हम PG बात करें फॉस्फोफेटी ग्लाइसरोल ट्राइग्लिसराइड्स, ये भी एक अदर लिपिड्स में आते हैं। अब प्रोटीन की बात करें तो मैं खासकर आपको यहाँ पे बताऊंगा कि चार जो मेन सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स हैं जिसका नाम है SPA SPB SPC SPD। अब जो SPA और D है, SPA और D है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब पानी से प्यार। दूसरा SPB और SPC है वो हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि पानी से नफरत करना। अब सर्फेक्टेंट प्रोटीन आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ सर्फेक्टेंट एंड आर सर्फेक्टेंट बिकम्स इनएक्टिव इन एब्सेंस ऑफ प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं है तो सर्फेक्टेंट ये काम नहीं करेगा। अब चौथे हैं जो हम केमिस्ट्री में बात करेंगे तो आयंस, जो आयंस प्रेजेंट होते हैं सर्फेक्टेंट में और मेजरली जो होते हैं उसको कहते हैं हम कैल्शियम आयंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द सर्फेक्टेंट, वेयर द सर्फेक्टेंट इज फॉर्म। सो टाइप 2 एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स एंड स्क्लेरा सेल्स हैव अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनोल जिसको कहेंगे लेमिनार बॉडीज, विच फॉर्म द इंटरसेल्युलर सोर्स ऑफ सर्फेक्टेंट। मतलब कि सर्फेक्टेंट जो होगा उसमें लेमिनार बॉडी कंटेन होगी जो सर्फेक्टेंट फॉस्फोलिपिड है या फॉस्फोप्रोटीन से। दिस मटेरियल सिंथेसाइज इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सो वहाँ पे स्टोर इन द लेमिनार बॉडी के ये होगा। और एक प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस, जिसमें क्या होगा कि लिपिड्स है प्रोटीन से वो एंड प्रोटीन से वो लेमिनर बॉडी रिलीज करेगा एक सरफेस फ्लूइड, जो एक सरफेस फ्लूइड और वो तुरंत ही एक ये जो एल्वियोलाई के सरफेस पे ये पूरा फ्लूइड एक कवर हो जाएगा। वो प्रोटीन्स और कैल्शियम के ये सब होंगे, हेल्प करेंगे। और फॉस्फोलिपिड आर अरेंज इनटू अ लैटिस मेशवर्क स्ट्रक्चर कॉल्ड ट्यूबुलर माइलिन, और ये ट्यूबुलर माइलिन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सर्फेक्टेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ फिल्म स्प्रेड ओवर द एंटायर सरफेस ऑफ एल्वियोलाई। तो ये पूरे सरफेस एल्वियोलाई के ऊपर ये पूरा का पूरा स्प्रेड हो जाएगा और ये एक सर्फेक्टेंट बन जाएगा। पर क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है सर्फेक्टेंट का वो एब्जॉर्ब हो जाता है टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स जो है ना, वो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कैटाबोलाइज्ड होगा। प्रोडक्ट आर रीएडेड एंड टू अ लेमिनर बॉडी फॉर रिसाइकलिंग, वापस बनाने के लिए ये आगे फर्दर, इसलिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कीप इन माइंड दैट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, सबसे मेजर इसका काम होता है। बाकी भी बहुत सारे नेसेसरी फैक्टर्स है फॉर्मेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ द सर्फेक्टेंट जो मैंने ऊपर डिस्कस किए थे, DPPC, PG, हाइड्रोफोबिक जो प्रोटीन्स थे, हाइड्रोफिलिक्स जो मैंने बताए थे, सर्फेक्टेंट प्रोटीन्स BABCD जो मैंने बताए थे, टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स, ये सारे फैक्टर्स नेसेसरी होते हैं। और अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द सर्फेक्टेंट्स, क्या क्या फंक्शंस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो जानते हैं फंक्शंस ऑफ सर्फेक्टेंट। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द सर्फेक्टेंट्स। सर्फेक्टेंट्स रिड्यूस द सर्फेस टेंशन इन अ एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड प्रिवेंट कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स। सर्फेक्टेंट्स ये करता है, एक मैकेनिज्म होती है, वो मैकेनिज्म में जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो मैंने बताए थे, दो पोर्शन होते हैं। तो पहला पोर्शन है जो हाइड्रोफिलिक मैंने कहा था, ये जो पोर्शन है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर को क्या करेगा, डिजोल्व कर देगा और लाइंस इन एल्वियोलाई। और जो दूसरा पोर्शन है वो हाइड्रोफोबिक है, सो इट इज़ अ डायरेक्ट
डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एल्वियोलर एयर, जो एयर पे अटैक है, और इसमें जो मैंने बताए थे SPC, जो मैंने प्रोटीन सर्फेक्टेंट प्रोटीन बताए थे, प्ले एक्टिव रोल इन दिस प्रोसेस। दूसरा फंक्शंस की बात करें तो सर्फेक्टेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलाइजिंग ऑफ द एल्वियोलाई विच इज नेसेसरी टू विदस्टैंड कोलैप्सिंग टेंडेंसी। मतलब कि जो एल्वियोलाई को एक जगह पे एक स्टेबिलाइज रखे एल्वियोलाई को, एक ये काम होता है। तीसरी बात करें तो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स आफ्टर बर्थ, मतलब कि इन्फ्लेमेट करना लंग्स को बर्थ के बाद, क्योंकि क्या होता है कि जो फीटस होता है वो ड्यूरिंग इंट्रायूटराइन तो थर्ड मंथ में जब वो सर्फेक्टेंट सीक्रेट्स होना शुरू होता है और वो बर्थ तक अंटिल बर्थ लंग आर सॉलिड होते हैं, एक्सपांड नहीं होते हैं। बट जब फीटस जब बेबी बर्थ करता है तब पहला जो ब्रीथ लेता है, जिसकी वजह से जो फर्स्ट बार लंग्स है तो वो ब्रीथ करता है, स्टार्ट किया तो स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर बाय हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैपनिया। सो वो इस वक्त क्या करेगा, प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट इन एल्वियोली प्रिवेंट्स द लंग्स फ्रॉम कोलैप्सिंग, सो क्योंकि दोनों लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे। ओके सो दूसरा फोर्थ फंक्शंस की हम बात करें, लास्ट फंक्शन जो सर्फेक्टेंस इज डिफेंस में बहुत काम करता है। जैसे मान लो कि कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया है तो ये डिफेंस में काफ़ी हेल्प करेगा लंग्स के अंदर। जैसे हाइड्रोफिलिक रिसेप्टर है SPA SPD, तो ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरसेस, और वो प्रोसेस जो डिस्ट्रॉय करेगा उस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑप्सोनाइजेशन या फिर फेगोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। तो इस प्रोसेस से वो डिस्ट्रॉय कर देगा बैक्टीरिया और वायरसेस को। दीज टू प्रोटीन ऑल्सो कंट्रोल फॉर्मेशन ऑफ इंफ्लेमेटरी मीडिएटर्स। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट इन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब कि सर्फेक्टेंट की अगर हमारे में डेफिशिएंसी है तो क्या क्या चीज़ें होगी। सो इन्फेंट्स में बात करें तो कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और हायलिन मेम्ब्रेन डिजीज। और एडल्ट में अगर होता है तो इसको कहेंगे ARDS, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इन एडिशन द डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज द ससेप्टिबिलिटी फॉर बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन होने के भी चांस होते हैं लंग्स में, अगर ये सर्फेक्टेंट की कमी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, मेडिकल फैक्ट्स है, मेडिकल कोई भी वीडियोस है, ऐसे कंटिन्यू होती रहेगी इस चैनल पे। तो आई सब्सक्राइब कर देना चैनल को भूलना मत, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत प्लीज़।